Hey guys, welcome to my channel. Excuse me please, और मैं हूँ कृति। आज लेकर आई हूँ आपको एक रेस्टोरेंट में बहुत ही प्यारा सा एम्बियंस है। आप देख सकते हैं पूरी ग्रीनरी है, आर्टिफिशियली सही। एंड ये है टैंजरीन। यस, हम लोग जाएंगे ऊपर और आपको मैं पूरा रेस्टोरेंट दिखाऊंगी। एंड ये होने वाला है मेरा बर्थडे ब्लॉग, सो हैप्पी बर्थडे टू मी। और चलिए मेरे साथ टैंजरीन। आज हूँ मैं आउट्राम स्ट्रीट में, जो कि है सेंट जीवियर्स कॉलेज पार्क स्ट्रीट के पास एंड थिएटर रोड के भी बिल्कुल पास है। हम लोग हैं टैंजरीन रेस्टोरेंट के बाहर, विच इज़ वाटर साइड रेस्टोरेंट एंड इट इज़ अ कैफे डाइनिंग एंड बार। फर्स्ट फ्लोर पर है ये एंड ये एक कोलकाता के पुराने घर को रिनोवेट करके बना है एंड इट इज़ रिसेंटली रिनोवेटेड गाइस। बहुत ही प्यारा इंटीरियर्स है। एंट्री करते ही आपको ग्रीनरी दिखेगी, आर्टिफिशियल है बट इट जस्ट मेक्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एम्बियंस गाइस। सीढ़ी को इन लोगों ने वाइट पेंट कर दिया है जो यूजुअली ब्राउन होते हैं। सारे हैंडल्स वाइट पेंटेड हैं। बहुत ही प्यारा प्यारा इंटीरियर है गाइस। अंदर आते ही आपके मूड को ये फ्रेश कर देता है। एंड हम लोग जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पर जहाँ पर ये सिचुएटेड है। सो दिस इज़ द एंट्री गेट। हम लोग जा रहे हैं यहाँ आज लंच पे, जो कि है मेरा बर्थडे स्पेशल लंच गाइस। यस, तो ये टैंजरीन रेस्टोरेंट ब्लॉग के साथ ही मेरा बर्थडे ब्लॉग भी है। इस सीढ़ी को, जो कि काफ़ी नैरो है, इसे ब्रॉड दिखाने के लिए यहाँ मिरर लगे हैं, विच इज़ सच अ नाइस इंटीरियर डेकोरेशन आइडिया। सो दिस इज हाउ द रेस्टोरेंट लुक्स। जितने भी विंडो पेन्स हैं सब पर ग्रीन ग्रीन आर्टिफिशियल प्लांट्स रखे हैं। बेस भी उसके नीचे आर्टिफिशियल ग्रास वाला है एंड लाइटिंग भी अच्छी है। और जो सिटिंग चेयर्स हैं वो हाफ ऑफ द एरिया में ब्राउन है एंड हाफ ऑफ द एरिया में ग्रीन कलर के हैं, जिससे आपको एक डिफरेंट फील आता है। अगर आप एक बार आओ तो ग्रीन चेयर्स पे बैठो और एक बार आओ तो ब्राउन चेयर्स पे बैठो। सामने है बार का सेक्शन, आप टेबल पर भी कॉकटेल्स मॉकटेल्स ले सकते हो एंड बार में जाकर भी बार को एंजॉय कर सकते हो। एक्सटर्नल व्यू इज जस्ट वाओ। सामने है लेक जिसके चारों तरफ वॉकवे बना है, लोग यहाँ मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक करने आते हैं गाइस। एंड अगर आप कपल्स हैं और दो चेयर की आपको ज़रूरत है तो जस्ट ग्रैब दिस व्यू गाइस। यहाँ पर का टेबल आप सेलेक्ट करो एंड इतने प्यारे नज़ारे के बीच डाइन करो। काफ़ी सूदिंग एंड काफ़ी एलिगेंट लगता है यहाँ आकर गाइस। जो लोग हैं, जो वेटर्स एंड स्टाफ्स हैं, दे आर सो वेरी वेल मैनर्ड। काफ़ी अच्छी सर्विस है एंड आजकल मैं यहाँ अक्सर आ रही हूँ बिकॉज इट्स नियर टू माय ऑफिस। एंड यहाँ आओ, लंच टाइम में बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती, तो जस्ट ग्रैब अ बाइट ऑफ योर फेवरेट कुजीन एंड इंजॉय करो, अपने मूड को फ्रेशन अप करो। फ्रॉम ब्रेकफास्ट, लंच, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कुजीन्स, ब्रंच, ड्रिंक्स, सब कुछ मिलता है यहाँ गाइस।
कई लोगों की शिकायत रहती है कि मैं रेस्टोरेंट के ब्लॉग्स में फूड नहीं दिखाती हूँ, तो उनकी शिकायत इस ब्लॉग में दूर हो जाएगी क्योंकि मैं जो भी लूँगी यहाँ, जो भी खाऊँगी वो आपको ज़रूर दिखाऊँगी, फूड भी आपको बताऊँगी। टेस्टी तो था ये मैं पहले ही बता देती हूँ, बट मैं फूड कैसा दिखता है एंड मैंने क्या क्या लिया वो भी आपको बताऊँगी। अगर आपको यहाँ छोटी पार्टियाँ करनी है तो भी आप कर सकते हो, दे अरेंज द बूफे एंड आप यहाँ अपना छोटा सा प्यारा सा पार्टी होस्ट कर सकते हो गाइस। देखिए एक विंडो पेन को कैसे खूबसूरत बनाया जाता है। जस्ट कीप सम आर्टिफिशियल ग्रास, उसके ऊपर आर्टिफिशियल प्लांट्स रखिए एंड हो जाएगा एक खूबसूरत इंटीरियर तैयार। काफ़ी सारे ऑफर्स भी होते हैं यहाँ, जो कि जो हमारा टेबल मैट है उस पर लिखा हुआ है, यू कैन चेक इट आउट। एंड हियर कम्स माय बर्थडे केक। खाने के साथ अगर म्यूजिक हो तो क्या बात है, एंड बहुत ही प्यारा अमेजिंग म्यूजिक चल रहा था यहाँ। दिस इज द फर्स्ट डिश दैट आई हैड एंड दिस इज नॉट द टोटल क्वांटिटी, ये बस मेरे प्लेट में सर्व्ड है। एंड दिस इज प्रॉन्स तोबांजन, जो कि है चिली प्रॉन्स जैसा एंड काफी टेस्टी है गाइस। And this is the mocktail that I had. It's called Temptation. And ये खस and Sprite का mocktail है। बहुत ही tasty था, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है guys, आप देख सकते हो। And flavor and taste में best था। And these are other mocktails जो मेरे colleagues ने लिए। This is mojito, I think, जो कि mint and other things से बना है। And this is some pineapple flavored mocktail. This is strawberry punch. एंड इसको बनाने में इन लोगों ने काफ़ी टाइम लिया, बट इट वॉज वर्थ इट। एक्चुअली ये स्ट्रॉबेरी शेक काइंड ऑफ टेस्ट किया। सो दिस इज द सेकेंड डिश दैट वी ऑर्डर्ड, इट्स गंधराज फिश फ्राइज। एंड इसमें से बहुत ही प्यारी जो लेमन के छिलके की खुशबू होती है, और यहाँ स्पेशल बड़े साइज के लेमन्स मिलते हैं कोलकाता में, उसकी जो खुशबू है वो इस फिश से आती है। एंड इसके साथ दिस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ फ्रेंच फ्राइज जस्ट मेड माय डे। मुझे ये फिश से ज़्यादा पसंद तो फ्रेंच फ्राइज, एंड इसके साथ जो ये सॉस दिया गया था वो आया। दिस इज़ द थर्ड डिश
विच इज स्लाइस्ड फिश चिली मस्टर्ड। एंड ये एक स्पेशल डिश लगा मुझे जो कि यूजुअली हर जगह अवेलेबल नहीं होता है गाइस। मस्टर्ड सॉस में टॉस्ड है ये फिश। अब आ गया हमारा मेन कोर्स विच इंक्लूड्स दिस स्पेशल फ्राइड राइस। इसमें चिकन, प्रॉन्स, मशरूम्स, एग सब कुछ है। दिस इज चिकन इन हॉट गार्लिक सॉस, मटन रोगन जोश एंड चिकन लबाबदार। साथ में ये कॉम्प्लीमेंट्री सैलड दिया उन लोगों ने नींबू मिर्ची एंड ओनियन का। एंड लंच के बाद ये हमारा फाइनल डेजर्ट से हुआ एंड, विच इज़ वैनिला आइसक्रीम विथ चॉकलेट सॉस। वेरी कॉमन बट वेरी वेरी टेस्टी गाइस। तो इन सारे खाने के साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन ख़त्म हुआ, जिसे मैंने अपने कॉलीग्स के साथ इंजॉय किया। एंड इस वेन्यू पे मैं गई, जो भी खाया आपको दिखाया। एंड उसके साथ ही हम लोगों ने बटर नान भी लिया था, जो कि बहुत ही फ्रेशली मेड एंड बिल्कुल टेंडर था। तो चलिए मैं अब यहाँ से निकलने वाली हूँ, तो जस्ट आपको लास्ट व्यूज़ दिखा देती हूँ रेस्टोरेंट के एंड देन आई लीव। मिरर दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जो इस छोटे से एरिया को ब्रॉड दिखाता है। एंड चलिए मैं संभल कर उतरती हूँ। अगर आपको ये मेरा बर्थडे एंड टैंजरीन रेस्टोरेंट का ब्लॉग अच्छा लगा, देन डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन गाइस। एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना कोलकाताइट्स के साथ, ताकि वो लोग भी इस रेस्टोरेंट को आकर चेकआउट कर सकें और इस प्यारे एम्बियंस को इंजॉय कर सकें। तो चलिए मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्द अपनी अगली वीडियो के साथ। सो टेक केयर, बाय बाय।